नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक और समाजवादी पार्टी में जहां दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल करना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी के 4 MLC ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में समाजवादी पार्टी के बलिया से MLC रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू, गोरखपुर से सपा MLC CP चंद, जालौन से सपा MLC रमा निरंजन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सपा MLC नरेंद्र भाटी हैं। समाजवादी पार्टी के MLC को बीजेपी में शामिल कराते हुए UP बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी, इन सभी नेताओं के आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। इन लोगों से निवेदन है कि ये नेता हर स्तर पर पार्टी से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि पराली को लेकर कहा जा रहा है कि इसे जलाने से 3-4% प्रदूषण ही होता है, तो इसको संबोधित करने की जरूरत नहीं। सिंघवी ने कहा कि हम कहना चाहते हैं ये एक कारण है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा ध्यान प्रदूषण पर है और आप ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो प्रासंगिक नहीं है। CJ रमना ने कहा कि हम किसानों को दंडित नहीं करना चाहते, हमने राज्यों से किसानों को पराली न जलाने के लिए मनाने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो दिख रहा है वो क्या किसानों के कारण हुआ है? दिल्ली के 5-स्टार और 7-स्टार में बैठे लोग आलोचना कर रहे हैं कि किसान प्रदूषण में 4%, 30% या 40% का योगदान कर रहे हैं। CJ ने कहा कि क्या आपने किसानों की प्रतिजोत कमाई को देखा है? प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान जब पराली का मुद्दा उठाया गया, तब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनवी रमना ने कहा क्या हम इसे नजरअंदाज कर दें कि दिवाली पर बैन होने के बावजूद भी पटाखे फोड़े गए। पराली के मुद्दे को बार बार उठाने पर CJ ने कहा कि आप कुछ मुद्दों का उपयोग करना चाहते हैं, फिर आप इसे विवादास्पद बनाना चाहते हैं और बाद में केवल एक दूसरे को दोष देना रह जाएगा। CJ ने कहा कि TV में बहस सभी की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा कर रही है, हर किसी का अपना एजेंडा है, वे कुछ भी नहीं समझते हैं। दिल्ली NCR के हवा में जहर घुल गया है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार रात को कहा है कि स्कूल और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखा जाए। माना जा रहा है कि स्कूल और कॉलेजों में एक बार फिर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो सकते हैं। दिल्ली NCR में निर्माण कार्यों को भी 21 नवंबर तक के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के 11 में से केवल 5 थर्मल पावर स्टेशन ही चालू रहेंगे। दिल्ली और NCR के राज्यों से कहा गया है कि वे जरूरी सामान ला रहे ट्रकों के अलावा बाकी ट्रकों को 21 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में न आने दें। बता दें कि दिल्ली NCR में दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ गया, दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े गए, जबकि इस पर रोक लगाई गई थी। दिवाली के बाद से दिल्ली और NCR के शहरों में जबरदस्त धुएं का गुबार दिख रहा है। हाल ही में नई पार्टी बनाने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कृषि कानूनों के मुद्दे का समाधान निकलना चाहिए, नहीं तो ग्रामीण राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान गांव में नहीं घुसने देंगे। कैप्टन ने कहा कि इन कानूनों को निरस्त नहीं किया गया तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियां प्रचार नहीं कर पाएंगी। द इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में बोलते हुए कैप्टन ने कहा कि अगर आप कृषि कानूनों के मुद्दे का समाधान नहीं कर सकते हैं तो हम में से कोई भी चुनाव अभियान के लिए गांव में नहीं घुस पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये आशंका भी जताई कि इस आंदोलन के जरिए राष्ट्र विरोधी तत्व भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए इसका जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत देश की आजादी को लेकर दिए गए अपने बेहुदे बयान के बाद शुरू हुए हंगामे को शायद थमने नहीं देना चाहती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर हमला किया। कंगना ने गांधी जी के अहिंसा के मंत्र का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि दूसरे गाल को भी आगे कर देना भीख है ना कि आजादी। कंगना ने इस बात का भी दावा किया कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई समर्थन नहीं मिला। कंगना ने लिखा, या तो आप गांधी के प्रशंसक हो सकते हैं या नेताजी के, लेकिन आप एक साथ दोनों के प्रशंसक नहीं हो सकते। कंगना ने महात्मा गांधी का नाम लिए बिना कहा, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उन्हें उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया जिनके पास अत्याचार करने वालों से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वे सत्ता के भूखे और चालाक लोग थे। बता दें, इससे पहले कंगना ने कहा था कि असली आज़ादी 2014 में मिली, उससे पहले वाली आज़ादी भीख में मिली थी। एक्टर और कॉमेडियन वीरदास अपने एक स्टैंड अप वीडियो के लिए लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दिल्ली में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है।
दरअसल वीरदास ने वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में उनकी हालिया प्रस्तुति की वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर आई कम फ्रॉम टू इंडिया नाम से अपलोड किया। इसमें वो भारत देश के दोहरे चरित्र को बताकर व्यंग कर रहे हैं, लेकिन ये व्यंग करना उनको अब भारी पड़ गया है। इस वीडियो में वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ दिन में स्त्री की पूजा होती है और रात में गैंगरेप कर दिया जाता है। मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ बच्चे मास्क लगाकर तो एक दूसरे से हाथ पकड़ते हैं और नेता बिना मास्क लगाए एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में वीरदास भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर भी व्यंग करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ जब हम ग्रीन के खिलाफ खेलते हैं तो हम सब ब्लू हो जाते हैं, लेकिन अगर ग्रीन से हार जाते हैं तो हम अचानक से ऑरेंज हो जाते हैं। इसके बाद ही वीरदास एक वर्ग के निशाने पर आ गए हैं। लोगों द्वारा देश विरोधी और तरह तरह से ट्रोल होने के बाद अब वीरदास ने अपनी वीडियो को लेकर सफाई दी। वीरदास ने कहा कि उनका मकसद देश का अपमान करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनका इरादा ये याद दिलाने का रहा था कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। उन्होंने कहा कि एक ही विषय के बारे में दो अलग विचार रखने वाले लोगों के बारे में वीडियो में बात हो रही है और ये किसी तरह का कोई रहस्य नहीं है जिसे लोग जानते नहीं हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में स्थानीय पुलिस ने 5 और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया। इनमें 3 वर्तमान पार्षद भी शामिल हैं। बंद बीजेपी नेताओं की ओर से बीते शनिवार को बुलाया गया था। इस दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ के साथ ही वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इस दौरान कई जगहों पर पथराव और आगजनी हुई थी। बवाल के दौरान 9 पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद शुक्रवार को अमरावती में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद ही बीजेपी नेताओं की ओर से बंद बुलाया गया था। गिरफ्तार किए गए नेताओं के नाम जयंत दहंकर, बादल कुलकर्णी, प्रणीत सोनी, लविना हर्षे और संध्या टिकले हैं। सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जहाँ से उन्हें जमानत भी मिल गई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के रेस्तरां में समलैंगिकों से भेदभाव का आरोप लगा। हालांकि रेस्तरां के प्रबंधन की ओर से इससे इनकार किया गया है। विराट के ये रेस्तरां कई शहरों में हैं और 18 कम्यून के नाम से चलते हैं। LGBTQIA समुदाय ने यस वी एग्जिस्ट इंडिया नाम से इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट में रेस्तरां की चेन के पुणे आउटलेट पर आरोप लगाया कि वह केवल अलग अलग लिंग वाले जोड़े को ही रेस्तरां में आने की अनुमति देता है और गे समुदाय के लोगों के लिए रेस्तरां में आने के जो नियम हैं वो भेदभाव करने वाले हैं। LGBTQIA समुदाय की ओर से इस पोस्ट में कहा गया था कि उन्होंने जब रेस्तरां में इसकी शिकायत की तो जवाब दिया गया कि गे कपल या किसी गे को रेस्तरां में आने की इजाज़त नहीं है। इस आरोप को लेकर विराट कोहली की कंपनी की सोशल मीडिया में आलोचना हुई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।